एक्चुअली मैं 4 साल बैंकिंग में ही था. मैं पहले लास्टली HDFC बैंक का बिजनेस बैंकिंग हेड था बॉम्बे का. उसके पहले मैं गुजरात हेड था ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक का. 2009 में मैंने अपनी कंपनीज चालू की है, सानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज. और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी सानिया ग्रुप की 50 कंपनी इंडिया में है और 28 कंपनी अब्रॉड में है. ये कंपनी डिफरेंट सेक्टर्स में डील करती हैं, जैसे मेजरली रियल इस्टेट है, फाइनेंस है, हॉस्पिटलिटी है, फिर जाकर फोटोकैम है, ट्रेडिंग बिजनेस है. सभी चीज़ों में करने के बाद भी जैसे होता क्या है कि जैसे जिन लोगों को अगर बैंक और NBFC से लोन नहीं मिलता है कोई सिविल के इशू के वजह से या डॉक्यूमेंट्स के इशू के वजह से, तो उसे मैं फाइनेंस करता हूँ, चाहे वो 1 लाख का लोन हो या 20 करोड़ का लोन हो, लेकिन मैं ही करता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि मैं इसी बहाने से लोगों की परिस्थितियों को समझते हुए उनकी सिचुएशन में मदद भी करता हूँ उस चीज़ के लिए, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जो बैंक और वो सब चीज़ नहीं दे पाएंगी. अभी सानिया ग्रुप ने होल ओवर इंडिया में एजेंसीज ली है लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की भी, बैंकिंग प्रोडक्ट्स की, पर्सनल लोन, कार लोन, ये सब चीज़ की भी. तो इसलिए हमने अपने 150 एम्प्लॉय का ये ऑफिस खड़ा किया है. तो आज से शुरुआत है इसकी और आप लोग आए हैं तो आप लोग के सपोर्ट से और आगे बढ़ूंगा वो चीज़ के लिए. फिल्मी एरिया में ऐसा है कि कमिंग 7 डेज में आपको न्यूज़ भी मिल जाएगी कि सम ए कैट्स और बी कैट्स वालों के साथ हमने, और सैटेलाइट बिजनेस में भी मैंने इन्वेस्टमेंट करने का सोचा हुआ है. तो उससे मेरी बातचीत चालू हो गई है और शायद 7 या 10 दिन में मैं अनाउंस भी कर दूंगा वो चीज़ के लिए कि हम, मैं मूवीज़ कर रहा हूँ, 3-4 मूवीज़ हैं जो ए कैट लोगों के साथ कर रहा हूँ, और सैटेलाइट बिजनेस में भी हूँ, सीरियल्स वेब सीरीज में भी हूँ. I am a pure investor. तो उस चीज़ के लिए भी है. ये युग कुमार दास जी हैं, मैं इंट्रोड्यूस पहले कर दूं. ये युग कुमार दास जी हैं, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड भी हैं, प्लस झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं जमशेदपुर के. तो ये मैं भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही हूँ, जैसे मैं जमशेदपुर का हूँ. तो हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड भी और इनका सपोर्ट भी है. तो हम पॉलिटिकली भी वही साउंड करते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं हम. बाकी युग जी आपको बताएंगे आगे. मेरा नाम युग है, मैं झारखंड से हूँ. झारखंड में रांची में, जैसे कि आप लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में सुने होंगे, ठीक है. हेमंत सोरेन जी हमारे पार्टी के एक्स मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर भी थे वहाँ पे, ठीक है. और अभी हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं और शैलेश जी के साथ चाइल्डहुड हम लोग कहिए हैं. तो काफ़ी दिनों से हम लोग का साथ में मिलके बिजनेस चली रहा है, ठीक है. हम लोग भी साथ में मिलके काम करते ही रहते हैं, हमारा आना जाना हमेशा ऑफिस में होता ही रहता है. और शैलेश जी, आगे के क्या प्रोजेक्ट्स होंगे आपके? आगे के प्रोजेक्ट्स में ऐसा है कि मैं रियल इस्टेट बिजनेस में हो या कोई भी सेक्टर हो, मैं इन्वेस्टर बन के खड़ा रहना चाहता हूँ उस चीज़ के लिए. जैसे अभी मेरे एसोसिएट्स हैं, मैक्सविन कैपिटल करके भी हैं, उनके नीलेश जी ओनर हैं, जैसे नीलेश जैन जी. तो वैसे ही क्या है कि बहुत सारे मैंडेट्स भी हैं जो लोग, मतलब होल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में है मेरे 650 मैंडेट्स हैं जो लोग मेरे लिए काम करते हैं जैसे उस चीज़ के लिए. और मेरे 52 ऑफिसेज अभी अपकमिंग है, जिसमें 15 to 18 September को ही हम गुड़गांव में ऑफिस खोल रहे हैं सानिया ग्रुप का ही. जैसे आप लोग को वहाँ भी इन्वाइट किया जाएगा, कोई ये नहीं. और ऐसे ही करते करते हम, मतलब मैं चाहूँगा कि होल ओवर इंडिया में 52 ऑफिसेज हो सानिया ग्रुप के. अभी कितने हैं? अभी एट प्रेजेंट में हमारी 10 ऑफिसेज हैं जैसे उस चीज़ के लिए. मध्यम वर्गीय परिवार कुछ ज़्यादा उम्मीद लगाया, ज़्यादा उम्मीद लगाया, क्या उनके लिए क्या बेनिफिट रहेगा? देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि अगर जो भी आदमी, मैं बेसिकली बैंकर हूँ तो मैं बैंकिंग की ही बात कर सकता हूँ ज़्यादातर, कि किसी को अगर कोई भी पैसे की सख्त ज़रूरत पड़ रही है और उसे बैंक नहीं दे पा रहा है या NBFC नहीं दे पा रहा है, तो मेरे माध्यम से वो अपने आप को सक्षमता समझे कि मैं उनके घर और ऑफिस के एड्रेस को देखते हुए और उनके पेपर्स देखते हुए मैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको दे सकता हूँ. आप किस बुनियाद पर देते हैं? मेरा बुनियाद यही रहेगा, पहला कि उसको पैसे चाहिए क्यों, उसका पर्पज़ क्या है, उसके पेपर्स में उसने पहले क्या किया हुआ है, वो अभी क्या करता है. आज आप बोलते हैं एक स्वीपर को भी, एक स्वीपर जो होता है वो भी इंसान होता है, लेकिन बैंक उसको नहीं देती है क्योंकि उसका पोस्ट नहीं है, लेकिन मैं देता हूँ क्योंकि उसे भी ज़रूरत हो सकती है, बहन की शादी के लिए या माँ बीमार है उसके लिए या हॉस्पिटल का खर्चा देने के लिए. तो हम 1 लाख से लेकर 20 करोड़ तक अनसिक्योर्ड लोन देते हैं चेक बेसिस पे, क्योंकि अभी तरह से गरीबों की मदद भी सर करते हैं अपने लेवल पे जाके समाज सेवा के थ्रू. हमारे खुद का सानिया ग्रुप का एक हॉस्पिटल भी है, 100 बेड का हॉस्पिटल है सिलवासा में, जनरल एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, जिसमें मैं पार्टनर भी हूँ. वैसे ही मैं चाहूँगा कि 10-12 हॉस्पिटल्स का और मैं इन्वेस्टर बनूँ, जिसमें अभी मेरी बातचीत अभी बॉम्बे में ही चल रही है, नीलेश जी के थ्रू ही है, नीलेश जी के क्लाइंट ही है. हो सकता है विद इन 1 मंथ में उस चीज़ का भी अनाउंसमेंट कर दूँ. फिल्मों की बात करते सर, फिल्म लाइन से जुड़े हैं और आपने काफी सारी चीजें बताई. फिल्म लाइन में जो लोग काम करते हैं, दूसरे वर्कर जो काम करते हैं जिसमें लाइट स्पॉट वगैरह बहुत सारे लोग, उनको बहुत मुश्किलें आती हैं. बैंक लोन नहीं देती है क्योंकि फिल्म लाइन को वैसे भी जो है 50% जो है बैंक से बहुत दूर रखा जाता है. ऐसे में क्या कदम, जैसे फिल्म का नाम आता है, बैंक लोन नहीं, तो
मेरा कंसर्न वही है कि सेक्टर कोई भी हो, आज आप बोलते हैं कि पॉलिटिशियन सीए एडवोकेट्स फिर जाके ये सबको बैंक बोलती है कि ये लोग को लोन नहीं देना चाहिए क्योंकि एक क्राइटेरिया है, ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि हर सेक्टर, बार एंड रेस्टोरेंट वाला है उसको भी लोन मिलेगा, मैं चाहता हूँ कि एक स्वीपर को भी लोन मिले, मैं चाहता हूँ हर एक को लोन मिले जायज तरीके से और जायज नीयत से, अगर वो मुझे बताए कि उसका पर्पज क्या है तो मुझे खाली यही अगर मुझे जेन्युइनिटी लगती है मैं दूंगा लोन। सर एक ऐसा सवाल जो शायद आपको अच्छा ना लगे लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि अब आपने देने की तो बात कर दी कि भाई हम तो देंगे, लेकिन ये भी बता दीजिए कि जब वो अगर जो लेनदार है वो नहीं देंगे तो उससे कैसे निपटेंगे आप? सर उसके लिए हम लीगली ही जाएंगे, लीगली टीम बैठी हुई है हमारे, सर आपसे जा रहे कैसे लेंगे? क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सानिया ग्रुप का हमेशा एक मतलब मेरा एम हमेशा ये रहेगा कि वही इंसान को लोन दिया जाए पहला बात, उसके पहले हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं उस चीज के, ठीक है, समय एक जैसा नहीं होता है, आज अगर आपका बिजनेस सही चल रहा है और कल आपका बिजनेस खराब चल रहा है इसका ये मतलब नहीं कि वो आदमी बेईमान है, उसकी नीयत सही थी, समय का उतार चढ़ाव उसे ऐसा चीज पे मजबूर कर दिया है कि वो नहीं भर पाया टाइम पे, लेकिन उसके लिए लीगली मिस्टर राजीव खरे हमारे एडवोकेट कंपनी के हैं जो 50 कंपनी देखते हैं हमारी और इनके अंडर में 18 लॉयर्स हैं, तो हमारी लॉयर की टीम भी बहुत सशक्त है, हमारे 38 सीए हैं जिनको हम मंथली रिमुनरेशन देते हैं, तो लीगली हम हो जाएंगे, हम कोई लड़ाई झगड़ा करने थोड़ा बैठे यहाँ पे। देखिए लोन देने से पहले उनके सारे कोलैटरल्स सर, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेसिक पर्पस क्या है सानिया ग्रुप का, कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं जिनको की सचमुच में जरूरत है उनकी हर तरीके से मदद की जाए, पहली चीज। दूसरी चीज हमारे एमडी साहब का क्या है कि जो भी यहाँ पे आता है, जैसे लोग बहुत जगह से निराश होकर आते हैं जिनको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, आपको पता है बैंकों की जो हालत है और इस समय जो रिसेशन का पीरियड चल रहा है उसमें बैंक्स और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर आने के बाद में उस आदमी को ऐसा लगना चाहिए कि उसकी यहाँ मदद हो सकती है, क्योंकि इस पर्पस से इट इज नॉट ओनली बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर, इट इज फॉर द हेल्पिंग आउट ऑल्सो पीपल, क्योंकि एक समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बनती है जिसको निभाने के लिए हमारे शैलेश जी प्रतिबद्ध हैं। अब आपने कहा कि जैसे लोग हैं बहुत ही छोटे सेक्टर से आते हैं जो अनऑर्गेनाइज वर्कर है, देखिए टू टाइप के वर्कर रहते हैं ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों को भी हम लोन देते हैं लेकिन उनके हम कोलेटरल्स उनके क्रेडेंशियल्स पूरे जांच लेते हैं। दूसरी चीज क्या होता है, हम जो भी लोन देते हैं उसके अगेंस्ट में चेक्स हम एडवांस में लेते हैं, और आपको पता है कि आजकल जो चेक बाउंसिंग का केस है 138 का केस है, दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस और उसके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा सजा है और गवर्नमेंट ने प्रावधान भी किए हुए हैं कि किसी भी प्रकार की इस प्रकार की फ्रॉड मतलब जो एक्टिविटीज है वो ना हो सके, सो इन दैट वे हम सिक्योर करते हैं, लेकिन उस सिक्योर करने के पीछे हमारी एक मंशा ये रहती है कि दूसरे की नीयत भी खराब नहीं रहनी चाहिए, इसलिए हम उनकी मदद करेंगे, तो साथ ही साथ उनसे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमारी मदद करें, ये हमारी कंपनी का पूरा उद्देश्य है और हम चाहते हैं कि आप लोग इस चीज को ज्यादा से ज्यादा सब में फैलाएं, लोगों को बताएं ताकि हर गरीब आदमी जो रिक्वायरमेंट जिसकी है जिसकी सचमुच में नीड है उसको हम यहां से कर सकें, और साथ ही साथ हम जैसा आपने बताया पेटी फाइनेंस के क्षेत्र में भी हम लोग जा रहे हैं कि जो अगर मान लो 1 लाख से नीचे वाले लोन वाले भी हैं जिनको की बहुत सारी जरूरत पड़ती है कि किसी को 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए देना है एंड सफिशिएंट कोलेटरल्स हैं तो उनको भी हम आसान किस्तों में यहाँ से लोन देंगे, ये हमारा पर्पस है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाम शशांक सिंह है और मैं शैलेश सर से पिछले 8-10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आप ये बोले कि एक्टिव वर्किंग जो होती है वो पिछले 2 साल से मैं सर के साथ में काम कर रहा हूँ, और सर का एक सीन होता है कि लोग एम्प्लॉई आते हैं उनके यहाँ फिर उसके बाद वो मालिक बन जाते हैं, तो आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर इन मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी ऑल्सो, और अभी हमने ये इसे क्या बोलते हैं मीडिया और एंटरटेनमेंट का एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है जिसमें राम सर मेरे पार्टनर हैं, मनोज जी भी मेरे पार्टनर ही हैं, तो अभी हम लोग बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं, मतलब मैं किसी आर्टिस्ट का नाम नहीं लूंगा अभी आपको, लेकिन आप ये समझ लीजिए जो ए प्लस स्टार हैं, मैं खान्स की बात नहीं करता लेकिन उससे नीचे के जो स्टार हैं उनके साथ अभी हमारा बराबर चल रहा है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली प्लान किया है गुरु जी, ये जो युग कुमार दास जिनसे आप लोग अभी मिले, शिबू सोरेन साहब का नाम तो आपने सुना होगा, हम लोग उनकी बायोपिक पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए तो आप समझ रहे हैं कि कोई बड़ा ही स्टार चाहिए होगा, क्योंकि अगर शिबू सोरेन साहब की अगर बायोपिक बन रही है तो फिर तो एक बड़ा ही स्टार कर सकता है, अदरवाइज दूसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाकी काफ़ी चीज़ें हमारी चल रही हैं, हमारा प्राइम फ्लिक्स से चल रहा है, हमारा अमेजोन से चल रहा है, और आप ये समझ लीजिए कि मीडिया और एंटरटेनमेंट का जितनी भी दावेदारी है वो मेरी है कि भाई आपको इतना बिजनेस अरेंज करना है और मैं ये इन्वेस्टमेंट करूंगा यहाँ पे, ये
मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। राम जी आप थोड़ा बताएं। मेरा नाम राम विश्वकर्मा है, मैं प्रॉपर उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हूँ। रहा सवाल मीडिया का, तो मीडिया एंटरटेनमेंट के विभाग में हम लोगों ने इतना ही स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल करने के बावजूद आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हमारा कोई स्टेप बन पाया। सर लोग जानते हैं क्या, राम जी बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग एक्टिंग के लिए स्ट्रगल करते हैं, हम लोगों ने प्रोड्यूसर बनने के लिए स्ट्रगल किया है, जो मैं आपको क्लियर कट बताऊं। और उस स्ट्रगल के बाद आज किसी मुकाम पे पहुंचे हैं, जैसा आज हमारे सपने साकार होने के चांसेस हैं। अब हम कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, हो सकता है विद इन 15 डेज 1 मंथ हमारी चीज़ें अनाउंसमेंट में आएगी, आप लोग के सामने, आप लोग के सामने जग जाहिर हो जाएगी, तो फिर हमें इस बात का कोई ये नहीं रहेगा। और दुआएं हैं आप लोगों की। जी हाँ, बेसिकली हमारा, मैं आपको बताऊँ ना कि जो बिजनेस है, ठीक है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से इस लाइन में हूँ तो मुझे पता है कि एक फिल्म कैसे बनती है, उसका पैसा कैसे आता है। हम लोगों का मेन फोकस जो है वो वेब सीरीज पे ही ज्यादा है, क्योंकि क्या है उसमें पैसा बहुत जल्दी निकल जाता है, हम इन्वेस्टर का पैसा दे देते हैं, हमारा प्रॉफिट हमारी जेब में आ जाता है, जो एकदम फैक्ट बात है। तो हमारा मेन फोकस जो है, राम जी का भी मेन फोकस वेब सीरीज पे ही। सर कैसे यहाँ पे जो है आप इतना भी चालू करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या वैकेंसी होने वाली है, जैसे कि अब डायरेक्टर आप हायर करेंगे, एक्टर को बुलवाएंगे, तो क्या कितना बड़ा विशाल कैसे इन हाउस हमारी सारी इन हाउस है हमारे पास सब। हम जो है पूरी अपनी एक टीम मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें कैमरामैन भी हमारा होगा, जैसे कि अब आप, मैं कुछ बोलना नहीं, ऊपर ही रोहित साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उनकी अपनी ही टीम होती है, उसी तरह हम अपनी टीम मेंटेन करेंगे, जिसमें कैमरामैन डीओपी भी मेरा एक ही होगा, डायरेक्टर भी मेरा एक होगा, मतलब लेवल का, समझ रहे हैं। उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ नए लोगों को भी मौका देंगे आप? बिल्कुल सर, 100% हमारा। और मैं आपको बताऊं, कम से कम 50 लड़कियां तो मेरे से मिल के गई, दो लड़कियां जिसमें मैंने फाइनल की अपने, इसे क्या बोलते हैं, एक म्यूजिक वीडियो के लिए। हाँ, तो क्या कास्टिंग वाले भी आप ही यहां पे होगा? नहीं नहीं नहीं, कास्टिंग के लिए, कास्टिंग के लिए हम एक प्रॉपर एक डिपार्टमेंट अरेंज करेंगे, जिसका काम होगा कास्टिंग करना, राइट राम जी? और सारी चीजों का एक वे होगा, सारे जो भी हमारे पार्ट हैं, हमारे फिल्म के जो भी कास्टिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, राइटर, एक्स वाई जेड, हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली पुराने ही बंदों को उठाएंगे, हमारे न्यू भी पर्सन है जिनको हमें ब्रेक देना है, जिनके साथ हमें काम करना है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, बट क्या है कि उनको भी चांस मिलना चाहिए, हमें करना है, उनको चांस देना है, उनसे काम निकालना है। तो मैं ये कहूंगा कि जितने दर्शक आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको वो कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के रख रहे हैं कि हमें भी मौका मिले, तो हम कहाँ से आपसे संपर्क करें? सर हमारा ऑफिस खुला हुआ है, जो 10:30 से 6 बजे तक हमारा ऑफिस खुला रहता है, कोई भी एक्टर आए, कोई भी एक्ट्रेस आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बहुत क्लियर कट, मुझे बोलनी नहीं चाहिए लेकिन मैं बहुत ही फेयर बनना हूँ। यहाँ पे कुछ चीजें ये होती हैं जो मतलब एक्ट्रेस को जो बोलते हैं शॉर्टकट, समझ रहे हैं, कि उनको ऑफर होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं सीधे, ना वो एक्ट्रेस चाहिए मुझे और ना वो कास्टिंग डायरेक्टर चाहिए, टैलेंट को आप ढूंढ, बस मुझे टैलेंट चाहिए। चलिए सर, बहुत तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ पैसे की फ्री, अब कंपनी जो है एक जहाँ धन कुबेर है और वहाँ पे आर्टिस्ट आप भी कर रहे हैं, तो और क्या कहना चाहेंगे हमारे दोस्तों को? सर मेरा बस ये कंसर्न है कि आप हम लोगों को सपोर्ट करिए, हम लोगों को सपोर्ट करिए, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे। तो ये कंपनी के बारे में जरा नाम लेके बता दीजिए। ये सानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज, इसमें टोटल 50 कंपनियां हैं, 50 कंपनीज हैं ऑल ओवर इंडिया, और अगर अब्रॉड आप चले जाते हैं तो ओवरऑल 28 कंपनी, मतलब 78 कंपनियां टोटल सानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर ऑफ आती हैं, जिसमें एक सेगमेंट है सानिया मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो इसे ढूंढने के लिए वेबसाइट वगैरह और जो सारी चीज़, सर यू कैन चेक ऑन www.saniyagroup.co.in। बहुत बहुत धन्यवाद।